आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोएम द स्कॉलर दिस पोएम हैज़ बिन कंपोज बाय द फेमस इंग्लिश पोएट रॉबर्ट साउथी ये जो कविता है ये अंग्रेजी के एक बहुत ही महान कवि के द्वारा लिखी गई है जिनका नाम है रॉबर्ट साउथी इन दिस पोएम द पोएट थिंग्स हिमसेल्फ आई स्कॉलर इस पोएम में कवि अपने आप को एक बुद्धिमान <coughs> व्यक्ति मान रहे हैं एक बहुत ही बुद्धिमान लेखक मान रहे हैं ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द पीपल दैट दे विल रीड हिज बुक्स लाइक द बुक्स ऑफ अदर रिनोन्ड ऑथर्स एंड विल रिमेंबर हिम फॉर एवर यहाँ पर कभी ये इच्छा कर रहे हैं आशा कर रहे हैं ये कामना कर रहे हैं ये मान रहे हैं कि उनकी किताबों को भी लोग उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे वे दूसरे प्रसिद्ध लेखकों की किताबों को पढ़ते हैं और उनको भी वह हमेशा याद रखेंगे माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट अराउंड मी आई बी होल्ड वेयर आर दिस केजुअल आइज आर कास्ट माई माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ट यहाँ पर कभी ये बता रहे हैं कि मेरे जो दिन हैं ये मरे हुए लोगों के बीचों बीच में बीतते हैं जो लोग डेड हो चुके हैं जिनकी डेथ हो चुकी है उनके बीच में बीतते हैं तो यहाँ पर मरे हुए लोगों से तात्पर्य ये है इससे मतलब ये है कि कभी एक लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं और उनकी चारों तरफ किताबें फैली हुई है तो जहाँ भी देखते हैं उनकी चारों तरफ किताबें ही किताबें हैं जो कि उन लेखकों के द्वारा लिखी गई है उन लेखकों ने लिखी है जिन लोगों की डेथ हो चुकी है जो लोग मर चुके हैं इसलिए कभी ये कह रहे हैं कि मेरे जो दिन हैं वो डेथ डेड लोगों के साथ बीतते हैं यानी मरे हुए लोगों के साथ उनके दिन बीतते हैं क्योंकि वो मरे हुए लोगों की किताबें पढ़ रहे हैं और वो वेयर आर दीज कैजुअलाइज आर कास्ट द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड अब वो उस लाइब्रेरी में बैठ करके जिधर भी वो अपनी नज़रें फेरते हैं जिधर भी वो देखते हैं तो उनको हर तरफ वो माइटी माइंड्स दिखाई देते हैं उन पुराने लोगों के माइटी माइंड्स मतलब एक बहुत ही बलवान और शक्तिशाली उनके दिमाग दिखाई देते हैं जिनके दिमाग में ऐसे ऐसे विचार आते थे जिससे उन्होंने इतनी किताबें और इतनी कविताएं लिख दी माय नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे ये लोग मेरे वो दोस्त हैं जो मुझे कभी धोखा नहीं देते हैं मेरे साथ कभी भी कपट नहीं करते हैं छल नहीं करते हैं ये हमेशा मेरे साथ होते हैं मेरा साथ देते हैं विथ होम आई कन्वर्स डे बाई डे जिनके साथ मैं दिन प्रतिदिन बातें करता हूँ विथ देम आई टेक डिलाइट इन व्हील और जब कभी मैं खुश होता हूँ तो मैं अपनी खुशियों को इनके साथ बांटता हूँ एंड सीक रिलीफ इन वो और जब कभी मैं तकलीफ़ में होता हूँ तो मैं इन्हीं से मदद भी मदद की भी आशा करता हूँ यानी इन्हीं के साथ मैं अपना सुख और दुख दोनों बांटता हूँ कभी यहाँ पर यह बता रहे हैं कि वो जो जिन लेखकों की किताबें पढ़ते हैं तो वही उनके सुख दुख के भी साथी हैं एंड वाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील और तब मुझे ये समझ आता है मुझे ये एहसास होता है हाउ टू देम आई ओ कि मैं उनका कितना एहसान मंद हूँ उन लोगों का कितना एहसान है मुझ पर कितना कर्ज़ है मुझ पर माई चीक्स हैव ऑफन बीन बिलीव विथ टीयर्स ऑफ थाटफुल ग्रैटिट्यूड और जब मुझे यह एहसास होता है कि उन लोगों का मुझ पर कितना एहसान है इन लोगों ने मुझ पर कितना कृपा की है इन लोगों से मुझे कितना सीखने को मिला है इतना कितना ज्ञान मिला है जब मैं ये सोचता हूँ कि इन लोगों ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है तब मेरे जो गाल होते हैं वो मेरे आंसुओं से भीग जाते हैं माई थॉट्स आर विद डैट विद देम आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स देयर वर्चूस लव देयर फॉल्स कंडेम पार्टेक देयर होप्स एंड फीयर्स एंड फ्रॉम देयर लेसन्स सीक एंड फाइंड इंस्ट्रक्शन विथ एन हम्बल माइंड अब कभी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब वो पुराने लेखकों की पुस्तकों को पढ़ते हैं उनकी किताबों को पढ़ते हैं तो वह भी वैसा ही सोचते हैं जैसा वे लोग सोचते थे उसकी भी वैसी ही भावनाएं हैं जैसी उन लोगों की हुआ करती थी वह महसूस करता है कि वह उन्हीं दिनों में रह रहा है उनकी किताब पढ़ते पढ़ते उसको ये लगता है कि वह उन्हीं दिनों में जी रहा है उसको सब कुछ अपने सामने नज़र आता है वह उन लेखकों में सद्गुण देखता है और उन सद्गुणों को स्नेह करता है वह लेखक उनके बुरे गुणों को देखता है और उन्हें नापसंद करता है जब वह उनके बारे में पढ़ता है तो वह अपने बारे में व्यवहार के नियम बनाता तो है कि मुझे किस तरीके से रहना है मुझे किस तरीके से जीना है मुझे कैसा व्यवहार करना है वह पुस्तकों से अच्छी शिक्षाएँ सलाहें तथा अच्छे निर्देश सीखता है वह अपने लिए कुछ नियम बनाता है कि उसको अपना जीवन इस तरीके से व्यतीत करना है तो माई होप्स आर विद डैट एन एन माई प्लेस विद डैम विल बी एंड आई विद डैम शैल ट्रेवल ऑन थ्रू ऑल माई थ्रू ऑल फ्यूचरिटी येट लिविंग हियर अ नेम आई ट्रस्ट डेट विल नॉट पेरिश इन डस्ट कभी प्राचीन काल के विद्वानों से कुछ आशा रखते हैं है ना कुछ उम्मीदें रखते हैं क्योंकि जल्द ही मतलब कुछ समय बाद उनकी भी डेथ हो जाएगी वो भी मर जाएंगे और उनका भी जो स्थान होगा उनकी भी जगह होगी वो उन्हीं विद्वान लेखकों के बीच में होगी और उन्हीं के साथ उनका आगे का भविष्य का पूरा सफ़र होगा उसे भी भविष्य में स्मरण किया जाएगा येट लिविंग हीयर अ नेम यहाँ पर कभी ये कह रहे हैं कि लेकिन वो मर तो जाएंगे लेकिन वो अपना नाम यहाँ पर छोड़ करके जाएंगे आई ट्रस्ट मुझे विश्वास है डैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट मुझे विश्वास है कि जो मेरा नाम है वो कभी मिटेगा नहीं कभी नष्ट नहीं होगा कभी धूल में नहीं मिलेगा यही यहाँ पर कभी हमसे कह रहे हैं उनके कहने का यही भाव है कि महान विद्वानों द्वारा लिखी पुस्तकें हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है वे हमारे सुख और दुख की सहायक है हम उनके अनुभव से काफ़ी सीख सकते हैं और अपने लिए आचार विचार के नियम बना सकते हैं लेखक भी एक दिन मर जाएगा और उसका भी स्थान उन्हीं में होगा उन्हीं विद्वान लोगों में उन्हीं विद्वान लेखकों के बीच में लेखक भी रहेगा और उसका नाम सदैव के लिए अमर हो जाएगा लोग उसको हमेशा पढ़ेंगे उसकी किताबों को सराहेंगे उसकी प्रशंसा करेंगे